दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन रेल फैन पे। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे सरायगढ़ जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ रेल लाइन कैसे जाएगा भाया अररिया होते हुए, साथ ही आपको बताएंगे सरायगढ़ से आसनपुर कुपहा दरभंगा होते गोरखपुर रेल लाइन, यानी यूपी की तरफ से जो रेल लाइन आ रहा है गोरखपुर रक्सौल वाला दरभंगा होते हुए, वह रेल लाइन सरायगढ़ फारबिसगंज अररिया होते न्यू जलपाईगुड़ी आसाम की तरफ कैसे जाएगा कोशी महासेतु वाला रेल लाइन, इस पर आज हम बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रेल रूट के बारे में। सरायगढ़ रेलवे स्टेशन से जो ये आप रेलवे लाइन देख रहे हैं जो चांद पीपर हाल्ट की तरफ जा रहा है, यह रेलवे लाइन सुपौल होते सहरसा जंक्शन की तरफ जा रहा है और ये इस रेलवे लाइन को जो है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं सरायगढ़ से जो इधर रेलवे लाइन जा रहा है नारायणपुर मुरली हाल्ट की तरफ, यह रेलवे लाइन जा रहा है राघोपुर की तरफ, आगे फारबिसगंज की तरफ जाएगा। और ये सरायगढ़ से जो इधर देख रहे हैं जो छोटा कर लेते हैं आसनपुर कुपहा हाल्ट की तरफ, यह रेलवे लाइन आसनपुर कुपहा निर्मली होते झंझारपुर की तरफ जा रहा है। तो पहले आपको ले कर चलते हैं अररिया की तरफ, तब वहाँ से देखेंगे कि कैसे रेलवे लाइन जाता है न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ। सरायगढ़ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, राघोपुर रामबिशनपुर ये सब स्टेशन मिलेगा, नरपतगंज प्रतापगंज है, ललितग्राम है, नरपतगंज आगे है, माफ़ी चाहते हैं। तो फाइनली हम लोग फारबिसगंज आ गए। फारबिसगंज से रेल लाइन जो है ये चला गया जोगबनी की तरफ। तो हम लोग को जाना है, तो छोटा कर लेते हैं, अररिया से जो है रेलवे लाइन ये निकलेगा जो आसाम की तरफ जो जोड़ा जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ, तो अररिया से रेलवे लाइन निकलेगा, क्योंकि आगे जो है अररिया कोट होते ये पूर्णिया कटिहार चला गया रेलवे लाइन, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं यही न्यू रेलवे लाइन बनेगा जो आगे जाकर के ठाकुरगंज में मिल जाएगा। ठाकुरगंज में जो है ये रेलवे लाइन जो आ रहा है ये सिंगल डीजल लाइन आ रहा है और यहाँ पर जो अलवाबाड़ी रोड जंक्शन है, तो यहाँ पर समझने की बात है, अलवाबाड़ी से जो इधर आप देख रहे हैं गुंजरिया की तरफ जिधर जा रहा रेलवे लाइन, आगे बारसोई होते हुए कटिहार की तरफ भी जा रहा है रेलवे लाइन और बारसोई से मालदा टाउन की तरफ भी जा सकते हैं। और इधर जो है अलवाबाड़ी से ये मेन लाइन है जो न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ जा रहा है, तो इस रेलवे लाइन से भी आप जा सकते हैं क्योंकि ये सिंगल डीजल लाइन है ठाकुरगंज, क्योंकि ये रेलवे लाइन जो है गलगलिया वाला है, गलगलिया बागडोगरा है, बागडोगरा के बाद जो है फिर वापस से इसी रेलवे लाइन में रंगा पानी में मिल जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर आगे जाएगा तो ये सिलीगुड़ी जंक्शन चला जाएगा, सिलीगुड़ी टाउन होते न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ। तो यहाँ से जो है ट्रेन अगर कोई आने वाले समय में अगर अररिया होके आई तो बागडोगरा, बागडोगरा से जो है रंगा पानी, रंगा पानी के बाद न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी से सीधे जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं ये चला गया गुवाहाटी की तरफ। और इधर से जो आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी से इधर जो गया है एक रेलवे लाइन जो है ये हाशिमबारा की तरफ गया, ये गुलमा वाला जो रेलवे लाइन देख रहे हैं, और ये तो टॉय वाला है, टॉय ट्रेन ये आपको जा रहा दार्जिलिंग की तरफ, ये टॉय वाला है, ये ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं। सेटेलाइट पे आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा। वापस से ले कर चलते हैं सरायगढ़ की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए हैं सरायगढ़ के पास। तो सरायगढ़ से जो जैसा कि आप देख रहे हैं इधर हम लोग जाएंगे आसनपुर कुपहा, आसनपुर कुपहा तक ट्रेन चल भी रही है, आसनपुर कुपहा निर्मली परसा बौसरी घोघड़िया इसके बीच में जो है जोर शोर से काम चल रहा है, तमोरिया तक जो है बनकर तैयार है, मिथिलादीप झंझारपुर, तो ये झंझारपुर जो है जंक्शन है, यहाँ से ये ब्लैक वाला देख रहे हैं लौखा की तरफ जा रहा है। और ये झंझारपुर से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आएगा सकरी जंक्शन, सकरी से ये अगना हाल्ट की तरफ जो जा रहा रेलवे लाइन ये जा रहा है जयनगर
और ये सिंगल इलेक्ट्रिफाइड रूट है। और ये सकरी से जो इधर देख रहे हैं, जो जगदीशपुर हाल्ट की तरफ जा रहा है, ये कुशेश्वर स्थान की तरफ जा रहा है। सीधे हम लोग बढ़ेंगे तो दरभंगा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये ककरघट्टी है और दरभंगा, यहाँ सिसु हाल्ट। अगर आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पर रेलवे के द्वारा बाईपास बनाया जाए, जो ये सिसु हाल्ट से ककरघट्टी के बीच में बनेगा, उससे यह होगा कि जो भी न्यू जलपाईगुड़ी, अररिया, फारबिसगंज, सरायगढ़ होते हुए ट्रेन है झंझारपुर होते हुए, वो ककरघट्टी से उस ट्रेन को अगर दरभंगा नहीं जाना है तो वो इस ककरघट्टी सिसो होते हुए सीतामढ़ी की तरफ निकल जाएगी। क्योंकि अगर ककरघट्टी से दरभंगा की तरफ आई तो यहाँ पर लोगों को रिवर्सल करना पड़ेगा। अगर उसको सीतामढ़ी जाना होगा तो अगर वो समस्तीपुर की तरफ गई तो वो सीधे चली जाएगी। तो दरभंगा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यही रेलवे लाइन जा रहा है सीतामढ़ी की तरफ। थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों हम लोग आ गए हैं सीतामढ़ी के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं सीतामढ़ी जंक्शन है। सीतामढ़ी से जो आप ये आप देख रहे हैं, जो ग्रीन ऐसा रेलवे लाइन आ रहा है, यह रेलवे लाइन मुजफ्फरपुर की तरफ से आ रहा है। और ये रेलवे लाइन सिंगल लाइन है, रेल इलेक्ट्रिफाइड रूट है। सीतामढ़ी से जैसे ही आगे बढ़ेंगे रीगा की तरफ तो यह रेलवे लाइन चला जाएगा आपको रक्सौल। रक्सौल जंक्शन है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रक्सौल है। रक्सौल से चार रेलवे लाइन निकला है। तो एक रेलवे लाइन जो इधर से हम लोग आए हैं वह है, और दूसरा जो है ये जा रहा है सगौली की तरफ, और एक जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है नेपाल बॉर्डर के पास। तो ये रक्सौल से जो है हम लोग, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, रक्सौल से हम लोग सगौली होते हुए भी नरकटियागंज आ सकते हैं। लेकिन रक्सौल से सीधा रूट जो है ये वाला है, ये जो सिंगल डीजल लाइन है ये रक्सौल से। और अगर सगौली होकर के आएंगे तो सगौली होकर थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो यही रूट है गोरखपुर जाने के लिए। और इधर सगौली से जो रेलवे लाइन आ रहा है ये बापूधाम मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर की तरफ से आ रहा है। तो ये हम लोग नरकटियागंज से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हरिनगर, बगहा, वाल्मीकि नगर, कप्तानगंज जंक्शन पहुंच जाएंगे। कप्तानगंज जंक्शन पर जो है एक रेलवे लाइन जो इधर आ रहा है रामकोला की तरफ से, यह थावे सिवान वाला है, थावे सिवान वाला। और यहाँ जैसे ही गोरखपुर आएंगे, गोरखपुर से पहले गोरखपुर कैंट स्टेशन है, तो वहाँ पर जो है ये गोरखपुर कैंट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये गोरखपुर कैंट से जो ये डबल लाइन आ रहा है ये मेन लाइन है, जो देवरिया, भटनी, सिवान, छपरा, हाजीपुर, सोनपुर वाला जो रेलवे लाइन है, इधर से ही बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन सब निकलती है। जैसे बिहार संपर्क, वैशाली, ये सब ट्रेन जो है इधर से ही आती है कुसमी होते हुए। तो ये गोरखपुर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये रूट बनेगा न्यू जलपाईगुड़ी। अभी जो रूट है उस ट्रेन सबको जाना पड़ता है गोरखपुर से। अगर आसाम कोई ट्रेन गई, जैसे अवध आसाम है, तो वो ट्रेन जो है गोरखपुर के बाद देवरिया, भटनी, सिवान, छपरा, छपरा के बाद सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, कटिहार, बारसोई, न्यू जलपाईगुड़ी। अगर इधर से गई, जो आने वाले समय में ये रूट जब बन जाएगा, तब कोई नई ट्रेन जब चलेगी इस होकर के इस रूट पर, तो वो गोरखपुर से जो है गोरखपुर कैंट, उगना होते, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, कप्तानगंज, कप्तानगंज के बाद जो है वो आ जाएगी पनियावा, वाल्मीकि रोड, बगहा, बगहा के बाद नरकटियागंज। ये नरकटियागंज है। अब नरकटियागंज से वो ट्रेन हो सकता है सगौली होते भी रक्सौल आए, या नरकटियागंज से डायरेक्ट रक्सौल, रक्सौल के बाद जो है रीगा, रीगा के बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से दरभंगा। अगर
अगर दरभंगा गई तो यहाँ पर लोग को रिवर्सल करना पड़ेगा। अगर यहाँ बाईपास बन जाता है रेलवे के द्वारा बनाया जाएगा जब, तो ट्रेन दरभंगा बिना आए सिसो हाल से ककरघड्डी की तरफ घूम जाएगी। तो सकरी होते हुए झंझारपुर होते वह ट्रेन निर्मली, सरायगढ़ जंक्शन, राघोपुर, राघोपुर से प्रतापगंज, ललितग्राम, नरपतगंज, फारबिसगंज, फारबिसगंज के बाद अररिया, अररिया के बाद सीधा यह ट्रेन जो है ठाकुरगंज चली जाएगी। ठाकुरगंज के बाद बगडोगरा, बगडोगरा के बाद रंगापानी, न्यू जलपाईगुड़ी आ जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से क्या होता है वीडियो वायरल होता है, ठीक है, इसलिए आप लोग लाइक करें। जितना लाइक करिएगा हमारे वीडियो को उतना बूस्ट मिलेगा, तो इससे अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को बना करके देंगे, रेल रूट के बारे में समझाएंगे। और कुछ ही दिन के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है आपको ट्रेन जर्नी भी आने वाला है,